जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आलोक गेम्स के चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता रहेगा, आज के दिन अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है एंड भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो मैंने सोचा अगर राम मंदिर अयोध्या में बन सकता है तो हमारे माइनक्राफ्ट में क्यों नहीं बन सकता। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो यही सोच को लेके आज मैं अपने फेडो एसएमपी के अंदर माइनक्राफ्ट के अंदर राम मंदिर बनाने वाला हूँ, राम भगवान को लाने वाला हूँ, बैंड बजवाने वाला हूँ, दिवाली मनाने वाला हूँ और भी बहुत सारी चीजें करेंगे हम लोग आज के माइनक्राफ्ट के वीडियो के अंदर। तो अगर अभी तक तुम लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, स्पेशली मैं जो राम मंदिर बनाऊंगा उसके लिए लाइक कर दो। आज के वीडियो का लाइक एम होगा 50,000 लाइक, क्योंकि मुझे पता है आज तुम लोग लाइक करने ही वाले हो। तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो एंड हम लोग चलते हैं गेम के अंदर। तो हम लोग आ चुके हैं गेम के अंदर और हम लोग ने पहन लिया है इंडियन कपड़े। पर भाई तूने बसंती के कपड़े क्यों पहन लिए? बसंती ने मुझे छोड़ के चली गई। तो इसी बात पे बसंती नाच। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। और मैंने पहन लिए है देश का तिरंगा ही पहन लिया भाई, एंड सर पे टिक्का लगा दिया। एंड जब आलोक के बाल चले जाएंगे तो आलोक कुछ ऐसा ही दिखेगा। बात तो सही है। पर यहाँ पे हम लोग आए हैं बड़ा काम करने के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए। बट भाई मंदिर बनाने के पहले अपने को तो राम जी का मूर्ति चाहिए रहेगा ना। तो है ना भाई अपना पुराना मॉड जिसके अंदर हम लोग जो भी ड्राइंग बनाएंगे उसकी मूर्ति बन जाएगी। ओ वाओ यार, मजा आने वाला है मतलब। तो और हम दोनों में से जिसका भी ड्राइंग अच्छा रहेगा उसी की मूर्ति राम मंदिर के अंदर स्थापित होगी भाई। यार ये पेंटिंग की बात कर रहा है, तुझे पता है ना पेंटिंग में मैं कितना एक्सपर्ट हूँ ब्रो। हाँ मैंने बहुत सारी तेरी पेंटिंग देखी है, सारी ऑडियंस ने भी तेरी पेंटिंग देखी है। क्या मस्त है। वो मेरा पास्ट था, वो मेरा पास्ट खराब था, लेकिन अभी जो मैं हूँ, जो मेरा न्यू वर्जन है, जो मेरा मैक्स प्रो अल्ट्रा वाला वर्जन है, वो बहुत खतरनाक है। पर मैं तो पहले से प्रोफेशनल हूँ, मेरी ड्राइंग बेस्ट ही होती है भाई। मैं ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ, तेरे साथ टाइम पास नहीं करूंगा। चलो चलो हम लोग भी ड्राइंग बनाते हैं क्योंकि हमको राम जी को हमारे मंदिर में लाना है। ओके, तो मैं पहले बैकग्राउंड को ऑरेंज कलर करूंगा। आपको पता रहेगा राम जी का जब भी नाम आता है तो यार ऑरेंज कलर जरूर आता है उसमें। ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट करता है राम जी को, तो इसलिए मैंने ऑरेंज कलर यूज किया। मेरे जो राम जी रहेंगे वो थोड़ा शैडो में रहेंगे, मैं सोच रहा हूँ उनको अच्छा लुक देने के लिए उनको शैडो में बनाऊँ। तो पहले मैं राम जी के पाव बनाऊंगा। यहाँ से मैं उनके हाथ बनाऊंगा क्योंकि उनके पाँव मैंने ऑलमोस्ट अच्छे से बनाए हैं। तो कि हम लोग आ चुके हैं ड्राइंग बनाने के लिए। यार मैं सबसे पहले बनाने वाला हूँ राम जी का मुकुट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है बनाना। ओके। एंड मुकुट के बीच में मेरे को बनाना है डायमंड। ओके। एंड इसका कलर थोड़ा सा येलो होगा क्योंकि गोल्ड भी थोड़ा सा येलोइश होता है। ओके, मैंने जैसे तुम लोगों को बताया था मैंने मुकुट के बीच के अंदर एक डायमंड रखा है जो कि रेड कलर का है, तो बीच में हम लोग को रेड कलर डालना है। ओके, तो यहाँ पे मुकुट का काम मेरा डन हो चुका है एंड अभी राम जी का फेस बनाना है। तो सबसे पहले फेस के लिए बॉर्डर कर देते। तो यहाँ पे मैं लाइन बना रहा हूँ फेस का, हल्का हल्का हल्का। ओ ये थोड़ा ठीक लग रहा है। एंड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ राम भगवान के बाल, सुनहरे काले काले बाल। मतलब पुराने टाइम पे क्या होता था भाई, बाल बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े रहते थे, तो मैं भी बड़े बड़े बाल बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। एंड हम लोग बाल को ना एकदम ब्लैक कलर नहीं देंगे, हल्का सा ब्राउन देंगे कलर। यस, ब्राउन कलर बनाते आए। ब्राउन बनाने के लिए हम लोग को हाँ ये वाला कलर परफेक्ट। यस, कुछ ऐसे ब्राउन कलर का बाल। हो इतनी अच्छी ड्राइंग तो भाई मैंने अपने स्कूल में भी नहीं बनाया। तो अभी सबसे मुश्किल टास्क की बारी आ चुकी है, आईज, नोज, लिप्स बनाने का भाई मुश्किल टास्क, क्योंकि हम ड्राइंग बना रहे माउस के कर्सर से तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। ओके, तो आईज बनाते हैं।
तो गाइस मुझे यहाँ पे आइस बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी क्योंकि ये आइस बन ही नहीं रहा था, बार बार मिटाना पड़ रहा था और बार बार बनाना पड़ रहा था, एंड फाइनली ये बन चुका है। फिर उसके बाद मैंने छोटे छोटे आई बॉल्स बना दिए दोनों साइड में गोल गोल से, और अभी मैं आंखों के ऊपर के आईब्रोज बना देता हूँ, उन्हें ब्लैक कलर कर देता हूँ, और सर पे राम जी को तिलक होता है तो वो बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने नोज बना दिए, मतलब मेरे को बनानी नहीं आती थी तो मैंने ऐसे छोटी सी नोज बना दी है। फिर उसके बाद मैंने आराम आराम से लिप्स बना दिए जो कि बहुत ज्यादा हार्ड था बनाना, एंड ये फाइनली बन गया। एंड लिप्स को हम लोग हल्का सा पिंकिश कलर देंगे। राम भगवान का फेस होता है नीला कलर का, तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर का टेक्सचर बना रहा था क्योंकि राम भगवान का कलर भी ब्लू है, एंड ये ब्लू कलर को हम लोग डाल देंगे भगवान की स्किन के ऊपर। एंड यहाँ पे हल्का सा कान है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा नीला कर देंगे। तुम लोग को कैसा लगा भाई राम भगवान का फेस, मेरे को जरा कमेंट में बताना, मैं आगे की भी बॉडी बना देता हूँ। Okay. एक एडिट करने की मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ जो नीचे जमीन का कलर है हम उसे ग्रे कर देते हैं, एंड राम जी को जैसा कि मैंने कहा आपको वो शैडो में होंगे, तो इसलिए हम राम जी को ब्लैक कलर क्यों ना दे ताकि वो शैडो की तरह लगे। एंड यस गाइस, ये देखो ये ना मेरा फाइनल पेंटिंग राम जी का, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है जस्ट कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट। एंड बची हुई जगह पे हम लोग को कलरिंग कर देना है, एंड यहाँ से हम लोग ब्लू कलर उठा के गले पे डालते हैं एंड थोड़ा चेस्ट पे डालते हैं, अभी जो सोना पहना हुआ है उसके ऊपर कलर डाल देते हैं। यहाँ से पिक करते कलर को एंड यहाँ पे फिल करते हैं, यहाँ पे फिल करते हैं। Six and a half hours later. तो यहाँ पे हमारी राम भगवान की पेंटिंग रेडी हो चुकी है। फैंटोन कहाँ पे, तू देख रहा है क्या, जरा इधर आ जल्दी। ये तो पूरा रियल लग रहा है। क्यों भाई हिला लाना था इतनी ज्यादा डिटेलिंग, इसके अंदर क्या डिटेलिंग की गई है, मानता है कि नहीं आलोक भाई को, मानता है कि नहीं। अब तू ही बता, ये वाला पेंटिंग को तू सिलेक्ट करेगा कि ये वाले? अब मैं क्या बोलूं सर आपके सामने, तो सर ये क्या है इतना ज्यादा रियल। भाई कितने टाइम से, आधे दो दो घंटे से मेहनत कर रहा हूँ भाई। अगर देख मेरे को भी अच्छा खासा टाइम मिलता ना तो मैं बना लेता। झूठ बोल रहा है। ऑडियंस तुम ही बताओ यार, ये दोनों पेंटिंग में से सबसे बेस्ट पेंटिंग कौन सी है? वैसे तो लगना मेरा चाहिए बट आलोक तू जीत गया है यार। है, मेरे को पता था भाई, अब ये पेंटिंग के मूर्ति बनेगी। जरा डन करते आ जा साथ में। 3, 2, 1 ये कितना ज्यादा रियल लग रहा है यार। देखो भाई हम लोग ने एक पेंटिंग बनाई थी भगवान राम की, पर यहाँ पे तीन तीन मूर्ति आ चुकी है, राम भगवान की, लक्ष्मण भगवान की, सीता माता की भाई। और ये तीनों मूर्ति राम मंदिर में हम लगाएंगे। बट भाई राम मंदिर बनाना तो बाकी है ना, उसे कौन बनाएगा भाई? आलोक दी बिल्डर भाई, इतना अच्छा पेंटिंग बना दिया तो इतनी अच्छी मंदिर भी बना पाऊंगा ना, तो ये राम मंदिर बनाने का काम मैं अपने हाथों में लेता हूँ। तो राम मंदिर बनाने के लिए मुझे एक खाली एरिया चाहिए रहेगा जो कि मुझे मिल चुका है, तो अब इस एरिया की थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं, डर्ट उनको हटा लेते हैं, एरिया को एकदम प्लेन कर देते हैं। यहाँ पे हमारा एरिया प्लेन हो चुका है, और अभी हमारा पहला टास्क ये है कि हमें राम मंदिर का बेस बनाना है, तो बनाते हैं। एंड हमारा सेकेंड स्टेप है कि हमें पिलर्स लगाने, क्योंकि मंदिर में पिलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पिलर्स बना देते हैं। और अभी पिलर्स बन चुके हैं तो इसके ऊपर फ्लोर बना देते हैं। तुम लोग ने देखा देगा राम मंदिर के ऊपर बहुत सारे पॉइंट वाले शिखर बने हुए हैं ट्रायंगल शेप में, तो वैसे ही हमें कुछ अपने मंदिर में भी बनाना है कुछ इस तरीके से। राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी,
हमारा एक्सटीरियर तो कंप्लीट हो चुका है, बट एक्सटीरियर पे जितना ध्यान दिया है उतना ही हमें इंटीरियर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी तो अच्छा लगेगा ना भाई, अच्छा तभी लगेगा ना। तो बनाते हैं इंटीरियर, चारों तरफ इंटीरियर की डेकोरेशन कर देंगे, लकड़ियां लगा देंगे, लाइट्स लगा देंगे, डेकोरेशन कर देंगे भाई पूरा कारपेट लगा के। तो ये बन चुका है हमारे राम मंदिर का इंटीरियर। ओवरऑल कुछ मंदिर ऐसा दिख रहा है जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो बुलाते फैंटोन को। आलोक भाई तेरा बना कि नहीं मंदिर? 6 घंटे हो गए। तो ये रहा तेरे सामने राम मंदिर। दोस्त क्रेजी, मतलब इस बंदे ने सिर्फ 6 घंटे में बनाया इतना सब। यस, ये है हमारे फेडो एसएमपी का पहला मंदिर, मतलब हमारे एसएमपी में राम मंदिर भी है। और भाई इसके अंदर बहुत खास खास मॉडिफिकेशंस लगे हुए हैं। एंड इवन दो ये जो मंदिर है ये एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट रियल लाइफ राम मंदिर जैसा लग रहा है। आपको पता लगा अयोध्या में जो राम मंदिर बन चुका है ये वैसे का वैसा ही लग रहा है। अरे फेंटोन भाई तू क्या बाहर से दिखेगा, अंदर तो आ। बात तो सही है यार, आ जाओ राम मंदिर के अंदर चलते हैं। ओ भाई आते ही घंटी बजा भाई पहले। ओ आ जाओ, घंटी साथ में बजाएंगे सब। अरे वो घंटी को छोड़ और जरा ये देख ये क्या बनाया मैंने। ओ भाई साहब महादेव की पेंटिंग है यहाँ पर। वाओ यार, मतलब राम मंदिर के अंदर शिव जी भी हैं। और भाई इधर भी देख, यहाँ पे भी है हनुमान जी। ओहो जय बजरंगबली। भाई ये बहुत मेहनत से मैंने पेंटिंग बनाई है। हार्ट्स ऑफ बड़ी, यहाँ पे लाइटें देखो कितने सारे हैं, यहाँ पे घंटियाँ देखो, यहाँ पे भगवान के फोटो देखो, पूरा मंदिर वाली वाइब आ रही है यार यहाँ पे। और तो और अंदर चलेगा तो एक और कमरा है अंदर, ये है मेन कमरा। ये खाली क्यों है इतना? अरे यहाँ पे तो भगवान बैठेंगे। ओ भगवान श्री राम यहाँ पे बैठेंगे। यस यस, ये मेन रूम भाई। तो भाई मेरा मुंह क्यों देख रहा है, राम जी को लाओ मंदिर के अंदर। तो यहाँ पे मेरे हाथ में है राम भगवान की मूर्ति, सीता माता की मूर्ति, लक्ष्मण जी की मूर्ति, जिसे मैं यहाँ पे स्थापित कर दूंगा। यस, हम सभी तीनों मूर्तियों को राम मंदिर के अंदर स्थापित करेंगे। लेट्स गो। ये रहे राम जी, ये रहे लक्ष्मण जी, एंड यहाँ पे रहे माता सीता। टंटनन भाई क्या मस्त लग रहा है। ऐसा लग रहा है भाई मिनी अयोध्या बना दिया है हमने। यस भाई जय श्री राम कमेंट के अंदर सब लोग लिख दो भाई, वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्या ही क्रेजी लग रहा है भाई। इसी बात पे अब तुझे लड्डू खाना पड़ेगा। लाइक राम जी को हमने राम मंदिर में डाल दिया बट ढोल नहीं बज रहा है, ये कैसी बात हो यार, ढोल तो बजना चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ढोल वालों को। टडैंग, और ये देखो, और यहाँ पे इवन तो ढोल बजाएंगे भी ये लोग। ओहो हो, शुरू कर दिया भाई ने। अबे तू क्या मुंह देखेगा, तू भी बजा। भाई ताशे वालों को भी ला यार। अरे हाँ भाई, एक ताशा वाला भी रहना चाहिए। ओ यस, टक टर टक टक टर टक। भाई फुल यहाँ पे डीजे बज गया ला। भाई देखो अयोध्या के राम मंदिर में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत ही सारे लोग जाएंगे क्योंकि उन लोग को बहुत ज्यादा खुशी है राम मंदिर बनने की। क्या हमारे माइनक्राफ्ट के लोगों को, हमारे माइनक्राफ्ट के विलेजर्स को राम मंदिर बनने की खुशी है? बात तो सही है भाई, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो हमें विलेज में जाके देखना पड़ेगा कि उन लोग क्या सेलिब्रेशन कर रहे हैं भाई, या कुछ ऐसे ही नल्ले की तरह बैठे हुए। चलो चलो फिर, देरी किस बात की, जाके देख के आते ना यार।
आजा फैंटोन, देखते ये विलेजर लोग विलेज के अंदर कर क्या रहे हैं। लेट्स गो ब्रो, वेरी एक्साइटेड। अबे ये क्या है भाई, ऐसा लग रहा है विलेजर अपने से ज्यादा धूमधाम में मना रहे हैं। एंड भाई ऐसा लग रहा है यहाँ पे मेला हो रहा है भाई, मेला लगा हुआ है, दिवाली हो रही है एकदम से। तू ये देख रहा है यार यहाँ पे, ये कैसे, ये क्या मस्त लग रहा है यार, ये देख क्या डेकोरेशन किया है। अबे ये तो फूल लग रहे, फूलों का डेकोरेशन करते हैं भाई विलेजर लोग। मतलब यहाँ पे भाई धूमधाम से विलेजर्स मना रहे हैं भाई राम जी के आने की खुशी जो है। देख भाई ये स्ट्रिप लाइट्स लगाए हैं जो ग्लो भी कर रहे हैं भाई। ओ भाई, ओ भाई भाई, ये लोग ने क्या डेकोरेशन किया है, इनकी डेकोरेशन आइडिया अच्छी है। ये देख यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, हाँ जय श्री राम यहाँ पे ये लिखा हुआ है। क्या बात कर रहा है, एक सेकेंड, ओ भाई लिटरली यहाँ पे लिखा हुआ है यार, ये तो कड़क चीज है भाई। इन्होंने पेड़ को भी नहीं छोड़ा, पेड़ को भी लाइट अप करके रखा है। ये देख क्या ग्लोइंग लाइट्स लगाया भाई, क्रिसमस ट्री बना दिया इसका तो। एंड भाई दिन करते यार विलेजर्स को देखते भाई सो रहे कब से, उठ जा जगा इनको। A few minutes later. अभी ये विलेजर्स कैसे, अभी ये तो टिक्का बिक्का लगा रहे। What? ओ हाँ यार टीका लगाया इस विलेजर ने तो। अबे फुल ये लोग बाबा बन गए भाई, दाढ़ी वीडी उगा ली है भाई। ऐसा लग रहा है ये तो भाई, ये लोग तो अपने से ज्यादा इंडियन है, ये क्या है। हाँ ना भाई, इंडियन का भी इंडियन है ये तो। मतलब राम मंदिर क्या बना दिया हम लोगों ने फैडो एसएमपी में, विलेजर्स से अपना हुलिया ही चेंज कर लिया, पूरा विलेज को चेंज कर लिया, पूरा टिपिकल इंडियन बन गए। 7 करोड़ रुपए मिलेंगे इसे। और ये दूसरे वाले विलेजर का नाम कमलेश रखेंगे। कमलेश, मेरे को तो लगता है इन लोग भाई दिवाली मना रहे, अपने को भी दिवाली मनाने चाहिए भाई, चक्री जलानी चाहिए, पाव जलानी चाहिए भाई। यार छोटे फटाके नहीं लेकिन बड़े फटाके फोड़ेंगे, रॉकेट्स, स्काई शॉट्स, वो देखा है ना तुम लोग ने स्काई शॉट्स, लोग जमीन पे जमीन से एकदम ऊंचाई पर उड़ाते, वो आसमान में जा रहे हैं क्या फूटता है, वो हम लोग माइनक्राफ्ट में उड़ाएंगे। लेकिन भाई मैंने अभी रियलाइज किया कि रॉकेट के नाम पे अपने पास तो ये पुष्करी है, ये क्या है ये। तू टेंशन क्यों लेता है, तेरा भाई तेरे को बड़े बड़े मोटे मोटे ताजे ताजे रॉकेट देगा, कस्टम्स रॉकेट बनाएंगे भाई। इसे देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ, उत्सुक हूँ। ओके सो अभी हो चुका है रात का टाइम, एंड अभी हम लोगों को रॉकेट को जलाना है, एंड देखते हैं जय श्री राम का रॉकेट आता है कि नहीं। ओके लेट्स गो, 3, 2, 1। ओ भाई साहब, यस आ रहा है वो। अबे ये क्या मस्त चीज है, ये तो मैं इसके अंदर भी जा सकता हूँ, ये देखो। ओ भाई लिट है ये। एंड अभी मेरी बारी है, मेरे पास भी रॉकेट है, ठीक है मैं अभी रॉकेट जलाने वाला हूँ, वो भी मंदिर के ऊपर। ओके आ जाओ देखते आलोक का रॉकेट कैसा होगा, लेट्स गो आलोक। ओ क्रेजी, राम मंदिर के ऊपर श्री राम जी दिख रहे हैं, मस्त लग रहा है ना भाई, बहुत ज्यादा क्रेजी लग रहा है ब्रो, लिट लग रहा है ये। आलोक आलोक मैं ट्राई करूंगा यार, तू जाकर देख ले। ओ भाई दिख तो क्रेजी रहा है लिटरली में भाई, राम मंदिर से पहले राम मंदिर सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। हाँ तो यही पे हम लोग वीडियो खत्म करते हैं, अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।